प्रदेश में युवाओं की तरफ से लगातार बढ़ रहे नशे के सेवन को लेकर आध्यात्मिक चेतना एवं भागवत कथा के माध्यम से युवाओं को नशे की लत से बाहर निकालने के लिए किया जा रहा है जागरूक। महाराज जी, आपके द्वारा और आपके जो संस्थान है उसके द्वारा पूरे देश भर में नशा से लोगों को बचाने के लिए कोई अभियान चला है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशा से बहुत ग्रसित होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नशा के आदि बन चुके हैं। ये नशा व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है और फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, जिसके बारे में हम नहीं समझ पाते। जैसे स्वीट पॉइजन होता है, धीरे 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 उसका प्रभाव पड़ता चला जाता है, मालूम नहीं पड़ता और उसका आदि हो जाता है। अंदर से व्यक्ति बिल्कुल सारे जो सिस्टम है, पुर्जे हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। बहुत वीकनेस हो जाती है, जल्दी बुढ़ापा महसूस हो जाता होने लगता है और उत्साह खत्म हो जाता है, इंद्रियां काम नहीं करती हैं। इसलिए मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो जो नाना प्रकार के नशे हैं उन नशाओं से दूर रहे, क्योंकि ये जीवन को सिवाय बर्बाद करने के अलावा कोई भी इनमें अच्छाई है ही नहीं। क्या कहना चाहिए, युवा लगातार नशे की ओर जा रहा है जिससे आम सभी लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, पैसा बर्बाद हो रहा है, शरीर भी बर्बाद हो रहा है, तो किस तरह से रोका जाएगा? क्योंकि आज की तारीख में माता पिता उनको शिक्षा तो दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे हैं। साथ ही जो भागवत कथा के द्वारा अगर वो युवा सुने तो उन्हें संस्कार प्राप्त होकर वो सनातन धर्म को बचा सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो क्या मान के चले, जो संस्कार की कमी क्या परिवार की वजह से है या बच्चा खुद ही संस्कार नहीं ले पा रहा? परिवार की भी इसमें बड़ी भागीदारी है, जिम्मेवारी है कि बच्चे को माँ बाप समय नहीं दे रहे, बच्चा उनके पास बैठता। तो ये अभियान पूरे जिले में चलाया हुआ आप लोगों के द्वारा? ये पूरे जिले में, पूरे पलवल क्षेत्र में चला हुआ, पलवल इसका में चार कथाएं चल रही है। तो अपनी ओर से युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो नशे से दूर रहें? वो माता पिता की सेवा करें, समाज से जुड़े और अपने धर्म की रक्षा करें।